तो सभी दोस्तों को राम राम। और फाइनली गाइस हम लोग आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो एकदम सुबह सुबह आने वाला था लेकिन भैया टाइम नहीं मिला कि हम सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर पाए। लेकिन फाइनली गाइस मैंने सोच लिया था कि आज वीडियो आएगा, तो फाइनली आज वीडियो लेके आ चुका आप लोगों के लिए। और इसका पोस्ट मैंने जो है परसों अपलोड किया था, बहुत सारे बंदों का मैसेज वगैरह भी आया था कि दिनेश भाई कब वीडियो लाने वाले, तो मैंने पहले बोला जैसे पोस्ट डालूंगा और वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगी एक दो दिन में, तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग लेके आ चुके हैं और बहुत बढ़िया और काफी जबरदस्त वीडियो आज का होने वाला है। तो मुझे पता है भाई आप लोग स्किप नहीं करोगे, पूरा एंड तक वीडियो देखोगे क्योंकि काफी मजा आने वाला है, ठीक है। ईवो वगैरह मैक्स देखने को मिलेगा और भी काफी चीज देखने को मिलेगा, बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो गाइस हमारे चैनल पर जितने बंदे नहीं हो, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर देना गाइस, ताकि हम जितने वीडियो लाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब में बिल्कुल गाइस पैसे लगते लेकिन आपका एक सब्सक्राइब गाइस में मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने के लिए, तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भैया जो भी बंदे को मान लो अपडेट चाहिए होगी कि भैया दिनेश भाई जो भी वीडियो लाते हैं उसकी अपडेट सबसे पहले कहाँ मिलेगी, तो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ स्टोरी वगैरह में लगाता रहता हूँ, पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ, तो जाके फॉलो कर लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे नाम के बहुत सारे बंदे आपको मैसेज करेंगे, आप लोग जैसे मुझे फॉलो करोगे आपको जो है सो मेरे नाम के बंदे मैसेज करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ओरिजिनल टीएस दिनेश वाईटी कौन है, सिंपल सा है भाई, हमारे लिंक से जाना है और हमें फॉलो कर लेना है। साथ ही साथ गाइस हमारे सेकंड चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर लेना, वहां पे मिडिल बॉय का वीडियो आता रहता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड गाइस हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है जिसके भाई सपोर्ट कर सकते हो आप लोग, है कि नहीं, तो भैया जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सबसे पहले गाइस लक रॉयल देखेंगे। अभी न्यू इवेंट आ चुका है, जैसे मोको स्टोर का न्यू इवेंट आ चुका है और यहाँ पे भाई बंदे ने सब निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, ओहो भाई साहब क्या बात है। तो दोनों जो इवेंट आया था भाई दोनों ही दोनों बंदे ने करा है कंप्लीट, तो ये हो गया। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हो लेवल भाई का 73 है। एंड अबर जो है सब बैचेस वगैरह भी खरीदा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, देख सकते हो यहाँ पे भैया 2377 बैचेस बंदे ने खरीद के रखा हुआ है। और अगर देखा जाए, चलो ये वाला मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है रीजनल में, बैचेस में रीजनल में बंदा है, वो भी मैं आपको जो है सो दिखाई दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, पेट। तो सबसे पहले भैया पेट ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो यूजफुल पेट होने वाला गाइस वो आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है, ये सभी पेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर की बात की जाए तो सभी कैरेक्टर आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस ये हो गया, अब हम लोग देखने वाले एकदम जबरदस्त वाला आर्मरी, क्योंकि हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आर्मरी, तो सबसे पहले हम लोग इसे ही देखेंगे। उसके बाद भाई आगे भी दिखाएंगे बहुत मस्त चीज। यहाँ पे आपको इस वीडियो पे M4A1 की काफी बढ़िया वाली स्किन देखने मिलती है, 3 चिप लगता है, गेम प्ले में गजब का गेम प्ले होता है, आप लोग को भी पता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ब्लू फ्लेम ट्रैको एक के, जो कि इस वीडियो पे आपको लेवल 7 का देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा और भी ऑप्शन है बट जो रेयर है भाई उससे ही मैं दिखाऊंगा ज्यादातर। उसके बाद गाइस M40 की बात की जाए तो डबल रेट ऑफ फायर के साथ लवली बीस्ट का, हमारा और आपका फेवरेट M40 आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। वहीं गाइस स्कार की बात करें तो मेगलाडोन अल्फा एंड गाइस यहाँ पे टाइटेनियम का टॉप आपको इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है, और भाई अल्फा तो लेवल 7 का है, क्यूपिड भी है, तो भाई ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। उसके बाद ग्रोजा तो अभी भी हाल फिलहाल में आया था आप लोगों को पता है, और इस भाई ने इसे भी लेवल 7 मतलब मैक्स कर दिया भाई, इसे भी क्या बात है, ठीक है। उसके बाद नीचे और फार्मस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये इवो फार्मस भी मैक्स देखने को मिल जाता है, अगर आप लोग देखना चाहते हो ये भी देख सकते हो, ये भी लेवल 7 का है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक्समेट इनक्यूबेटर का टॉप है, भले ही वो नहीं है बट भाई यहाँ पे इनक्यूबेटर का टॉप है, और ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें पता है ब्लूप्रिंट बहुत ज्यादा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। AN4 की बात किया तो गाइस यहाँ पे इनक्यूबेटर का ये भी टॉप है, लगभग जितने भी है लगभग टॉप ही टॉप है। उसके बाद गाइस प्लाज्मा है यहाँ पे, इसका भी काफी बढ़िया जो है सो यूज होता है, बहुत सारे बंदे इसे भी लेके गेम प्ले करते हैं, तो ये भी है। एंड गाइस ऑक की बात की तो यहाँ पे भैया जो है सो ये भी है और काफी तगड़ी वाली है। एंड पाराफेल भी ज्यादा यूजफुल हो रहा है, बहुत सारे बंदे गेम में यूज करते हैं और मस्त गेम प्ले होता है भाई इससे, ठीक है। किंग फिशर है। एंड गाइस आगे देखा जाए तो यहाँ पे SKS जो है ना भाई डबल रेट ऑफ फायर के साथ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाता है। एंड SBD की दो दो बढ़िया बढ़िया स्कीम्स है, वुड पिकर भी काफी मस्त है एकदम लाजवाब वाला, और AC-80 भाई डबल है। उसके साथ गाइस M2 यहाँ पे M249 की बात किया तो डबल रेट ऑफ फायर का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड भाई साहब M60 भी है, ठीक है। हो सकता है गाइस आज मैं सेकंड चैनल पे भी वीडियो अपलोड करूं, तो भैया वहां सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, और मेरा नाम का बहुत सारा बंदा मैसेज करेगा, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। UMP की बात किया तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस एकदम इनक्यूबेटर का टॉप पेपर कट वाला है, और भाई आर्ट ऑफ वार तो दोनों है भाई एकदम जबरदस्त वाला। मुझे लगता है जब पेपर कट है तो इसके बाद कोई बंदा यूज ही नहीं करेगा,
MP5 की बात की जाए तो यहाँ पे रेंज प्लस मैगजीन के साथ आपको मिलता है, नहीं तो और भी बहुत सारे, जैसे ये डबल 805 वाला ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ये देख सकते हैं। एंड VSS इसमें भी आपको डबल 805, डबल डैमेज, डबल 805 एकदम गजब का है, पूरा का पूरा ये कम्युनिकेशन मिलता है आपको। MP40 EVO जो है ना भाई, मैक्स मिल जाता है, उसके साथ पोकर देखा जाए तो ये टॉप है, रॉयल फ्लश ये इनक्यूबेटर का टॉप पोकर है, उसके बाद ये है, ठीक है, येलो पोकर इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी आपको स्पीड में देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस P90 जो है ये इनक्यूबेटर का टॉप है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हो थॉम्सन, तो भाई एकदम जबरदस्त वाला थॉम्सन आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है, जो कि लेवल 7 है। और ये कलर चेंजिंग वाला जो है ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। वेक्टर की बात की जाए, मैक10 वगैरह सब देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस M10 की बात की जाए तो भाई इनक्यूबेटर का नहीं है, EVO है और लेवल 7 है, बड़ी बात है। ये इनक्यूबेटर का, ये इवेंट का, अटैक ऑन टाइटन का जब हुआ था कोलैबोरेशन तब आया हुआ था इवेंट में। उसके बाद गाइस यहाँ पे एमिटेड 7 की बात की जाए तो EVO भैया मैक्स देखने को मिलता है, लेवल 7, ठीक है, जितने भी EVO हैं सब मैक्स। उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिकल वगैरह और टोटल जो स्किन्स हैं शॉटगन्स की भाई 7 है, कम नहीं होता, आप लोग पता है। फिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे फिस्ट भी मैक्स है, अरे भैया फिस्ट नहीं है, मैक्स 7 है, सॉरी भाई, मैक्स 7 भी आपको स्पीड पे देखने मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रैगन की भी स्किन्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो गाइस CW वाली जो है ना स्नाइपर काफ़ी तगड़ी वाली है, और भाई ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, क्या लुक है, एकदम अमेजिंग वाला, ठीक है, ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस हम लोग आके नीचे आते हैं, डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट भी काफ़ी बढ़िया है, और पेन भाई लेजेंडरी देखने को मिल रहा है इस वीडियो में, ठीक है। परांग देख सकते हो आप लोग, बेट भाई गजब गजब का निकल गया यार, एकदम मस्त। कटाना गाइस 11 है जिसमें से सब लेजेंडरी देखने को मिलता है आप लोग को, ठीक है, एक दो है जो नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे ये सभी चीज़ों की स्किन्स आपको देखने को मिलती है, मैंने बोला था फिश, तो गाइस यहाँ पे फिश की लेवल 7 स्किन्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे टोटल 8 फिश देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद और हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें ग्लूवॉल, तो ग्लूवॉल यहाँ पे आपको मिलते 40, और प्री ऑर्डर वाला ग्लूवॉल भी है जो कि निंजा वाला है, और ये हर किसी के पास नहीं है, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिलता है। टोटल मतलब 40 से जो कि कम नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी ग्लोबल काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे ये FFWC का जो है सो ग्लोबल आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्मरी वाला, अदर की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे गाइस मेंबरशिप भी चल रही है जिसमें से आपको 1150 डायमंड क्लेम करने के लिए मिलेंगे 24 डेज के लिए है, ठीक है। ये हो गया हमारा, हम लोग देखने वाले हैं बंडल। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हिप हॉप देख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये, भले रिटर्न में आया लेकिन फिर भी पॉपुलर है क्योंकि सबके पास देखने को नहीं मिलता है ये बंडल। बात करें कस्टमाइज की तो हर एक चीज़, हर एक इमोट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि खुला हुआ है, ठीक है। बोया डे यहाँ पे 4 मल्टी कलर के साथ देखने को मिलता है, ये भी है। उसके साथ गाइस यहाँ पे ये सभी चीज़ें भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जैसे बोया पास वगैरह का है, तो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे हम लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो भाई देखा जाए तो ये भी देख सकते हो काफ़ी तगड़ी है। और अगर आप लोग पूछोगे दिनेश भाई भाई ये वीडियो लाने का रीजन क्या है, तो भैया इसमें जो आर्मरी कलेक्शन है बहुत ही तगड़ा है, और उसके बाद बंडल्स भी है वो भी काफ़ी मस्त है, ठीक है। और आर्टिक ब्लू आपको इस वीडियो पे देखने को मिलता है, ज़्यादा बंडल्स नहीं है भाई, मैं पहले बोला हूँ कि उतने नहीं है, बट भाई एकदम लाजवाब है। ये वाला कम्युनिकेशन देखो भाई गजब का लगता है, एकदम लुक देख रहे हो, पूरा लाजवाब है, ठीक है। तो ये वाला भी इस वीडियो पे है, व्हाइट चोटी आपको इस वीडियो पे देखने मिलता है, ये इनक्यूबेटर का सेकेंड टॉप है भाई, तो ये भी मिलता है। एंड गाइस नेवी सेट, गोल्डन सेट, दोनों जो है सो बंडल्स आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग गाइस थोड़ा सा और स्क्रॉल किया जाए नीचे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एंजेलिक पेंट, तो भाई एंजेलिक पेंट का क्या मतलब, बहुत सारे बंदों का फेवरेट भी है, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहा है। ठग पेंट गाइस काफ़ी सारे बंदों का फेवरेट है, तो ये भी है यार, हिप हॉप तो भाई पहले ही पहना के दिखाया हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे देखो आर्टिक ब्लू का मास्क वगैरह देखने को मिलता है, ये वाला एलीट पास आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। इसका कस्टमाइज करेंगे तो एक लेवल और ओपन हुआ है। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे इनक्यूबेटर्स के कुछ बंडल हैं, जैसे गोल्डन समुराई गाइस इनक्यूबेटर का टॉप है, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिलता है। उसके बाद ये स्कार्फ वगैरह है, तो ये भी इस वीडियो पे आपको देखने को मिलता है। ये गाइस इनक्यूबेटर का सेकंड टॉप है क्या, नहीं ये थर्ड वाला है भाई, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। खासकर भाई पूछा जाए पर्सनली तो भाई ये आर्मरी के लिए मैं खासकर लेके आया हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, 428 बंडल आपको टोटल देखने को मिलता है। एक भाई कॉम्बो बना लोगे बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसका देख सकते हैं यहाँ पे एक से एक है बोया पास वगैरह, और इसका एक कलर खुला हुआ काजी, चलो कस्टमाइज करके देख लिया जाए एक बार, तो भाई इसका यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बंदे ने खोल दिया पूरा का पूरा, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो, ये भी है पूरा का पूरा जबरदस्त लाजवाब,
इसका भाई एक कलर ये वाला खुला हुआ है, ठीक है ना। हम पहले दिखा दे रहे हैं, जो जो है सो आपको हम क्लियरली दिखा देंगे, ताकि भाई आप लोग कोई कंफ्यूजन में ना रहो। ये सभी बंडल्स है जो कि इवेंट्स के हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब है। आर्टिक ब्लू बंडल आपको इस वीडियो में देखने मिलता है। और टोटल जो ईवो है भाई, आप लोग काउंट नहीं किए होंगे तो मैं अभी काउंट करके बता दूंगा कि टोटल ईवो कितना मैक्स है इस वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको देखने मिलती है, वाइट चोटी वगैरह हर एक चीज़ है, जो कि भाई एकदम लाजवाब है। गोल्डन सेट गाइस आप लोग देख ही सकते हो, नेवी सेट, गोल्डन सेट कितने सारे बंदों का फेवरेट है। चलो हम लोग एकदम फटाफट दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सभी जो है सो शर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे एंजेलिक पेंट है भाई, एंजेलिक पेंट भी है, क्या बात है। और यहाँ पे इनक्यूबेटर का ये जो है ना लास्ट बंडल्स हैं, और ये सभी जो है सब हेडेड विल का है, ठीक है। ये सब इवेंट्स के बंडल भरे पड़े हैं इस वीडियो पे। तो भैया वीडियो अच्छा लगे तो एकदम फटाफट लाइक करके दोस्त लोगों को शेयर कर देना, और कमेंट करना नहीं भूलना है भाई, अपनी अपनी ओपिनियन शेयर जरूर करना है, ठीक है। और सबसे मजेदार वाली बात क्या है पता है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जर्सी देखो कितने हैं, 8-10 जर्सी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है, तो ये भी भाई काफ़ी लाजवाब। उसके साथ पैंट्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, एक से एक है, जूते वगैरह है। और भाई सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको जितने भी रिटर्न्स जो है सो टॉप क्रिमिनल्स हैं, सब आपको इस वीडियो में देखने मिलता है, ठीक है। ये देखो टॉप क्रिमिनल गोस्ट है, रेड है, ये न्यून है भाई, न्यून है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, एंड गाइस रेड है। तो भैया हर एक चीज़ है, मुझे लगता है एकदम जबरदस्त वाला है, यहाँ पे पूरा का पूरा हार्ड है, एकदम मस्त है। उसके साथ यहाँ पे कुछ बंडल्स हैं फीमेल के, जो कि भाई यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये वाला कौन है जी, ये वाला बंडल भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लाजवाब कलेक्शन है, एकदम मस्त वाला, पूरा का पूरा ओपी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे इमोट की बात की जाए तो 97 इमोट्स हैं, जिसमें से अब हम लोग काउंट करने वाले कि भाई ईवो मैक्स कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ईवो मैक्स आपने देखा, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भैया इस वीडियो में आपको 8 ईवो मैक्स देखने को मिल जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है भाई, ये सभी इमोट्स आपको देखने को मिलता है, एक से एक इमोट है, एक से एक लाजवाब इमोट है। ये अभी भी आया था, मैंने पहले बोला था ना आप लोगों को, तो ये अभी भी आया और भाई सब एकदम है पूरा का पूरा। ये देखो यहाँ पे पूरा लाजवाब है एकदम। 3 इमोट है गाइस जो परमानेंट नहीं है, मतलब भाई 94 इमोट परमानेंट है। ये गाइस देखो यहाँ पे ये वाला भी है, क्या बात है। ये सभी इमोट्स एकदम काफ़ी लाजवाब वाले, देखोगे भाई आपको खुद ही अच्छा लगेगा वीडियो की। हाँ दिनेश भाई बहुत तगड़ा वाला वीडियो दिखा दियो आज। उसके बाद यहाँ पे और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, टोटल भाई अगर 94 इमोट्स है तो कम नहीं होते भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तब जाके ऐसा वीडियो बन पाता है। यहाँ पे आपको थ्रोन इमोट, झंडा इमोट, फ्लावर ऑफ लव, हर एक इमोट आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये इमोट भी परमानेंट नहीं है, मतलब भाई 93 इमोट आपको इस वीडियो पे परमानेंट देखने को मिल रहा है, फिर भी 90 प्लस इमोट है, तो भाई कम नहीं है। और सब जबरदस्त वाला है, जो एक बंदे को चाहिए होता है अपनी वीडियो में कि भाई ऐसी ऐसी इमोट होनी चाहिए, तो हर एक इमोट आपको इस वीडियो पे देखने को मिलता है। और भैया इसी प्रकार की इंजॉयफुल वीडियो के लिए, फ्री फायर से रिलेटिव वीडियो के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी वाला एनिमेशन चल रहा है, ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है, एकदम लाजवाब बोले तो जबरदस्त। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखा जाए तो कलेक्शन की बैकपैक वगैरह एक से एक है, लूटबॉक्स, पैरासूट, स्काईबोर्ड की बात करें तो हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, एकदम अमेजिंग है पूरा का पूरा। वहीं बात करें मर्सरीज की स्किन्स, तो अभी लैम्बोर्गिनी वाला जो रॉयल चल रहा था, आप लोग को भी पता होगा इवेंट में, तो बंदे ने सब निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, आप लोग खुद देखो भाई, हैरान हो जाओगे भाई, क्या मतलब, अरे यार काहे रिक्वेस्ट भेज रहा यार, पूरा का पूरा देखो। प्रोफाइल की बात करें हम लोग आगे, तो बंदा देखो उतना पुराना प्लेयर मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई कितना पुराना प्लेयर वो तो आपको पता ही है, क्या चीज़ से पता चलता है, बैनर से। तो चलो हम लोग सबसे पहले बैनर ही देख लेते हैं, ठीक है, सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते करते, और वहाँ से कहीं से हमें पता चलेगी बंदा कितना पुराना प्लेयर, सीजन 12 से बंदा प्ले कर रहा है, ठीक है ना भाई। और यहाँ मैंने बोला था ब्लू प्रिंट बहुत ज़्यादा, देखो ब्लू प्रिंट देखो यहाँ पे कितने सारे पड़े हैं, टोकन्स वगैरह हर एक चीज़ आपको इस वीडियो पे पड़ा हुआ है। और मैंने क्या बोला था, क्या दिखाऊंगा कि बंदा रीजनल पे, तो चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं। एक्टिविटी रिवॉर्ड जाते हैं, एक्सचेंज में जाते हैं, उसके बाद लीडर बोर्ड में जाते हैं, और यहाँ पे ये हो गया रीजनल में। चलो एक बार बैचेस देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भाई यहीं से ना पता चलेगा महाराज, गिल्ड नहीं यार, बोया पास, अच्छा इससे पता चलेगा, चलो यहाँ से पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। बंदा देखो 79 में है, ठीक है, रीजनल में 79 में बंदा है, बैचेस में, ठीक है, यहाँ पे देखो है ना,
2377 बैचेस बंदा का पास है और बंदा रीजनल में है, ठीक है। तो भैया आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा जरूर बताना, अभी मेंबरशिप वगैरह भी चल ही रहा है, देख सकते हो पहले ही दिखाया हूँ। तो भैया आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जितना हो सकता है भैया सब्सक्राइब कर लेना, मैं बैक टू बैक वीडियो लाता रहूँगा, तो अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहना। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।